समझने का योग रहा है। मनसुखलाल नाजर संपादक काम न कर सके ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने देश में कई अखबारों के लिए लेख लिखे थे, पर दक्षिण अफ्रीका के अटपटे प्रश्नों पर मेरे रहते उन्होंने स्वतंत्र लेख लिखने की हिम्मत न की। उन्हें मेरी विवेक शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था, अतएव जिन विषयों पर कुछ लिखना जरूरी हो तो उन पर लिखकर भेजने का बोझ वे मुझ पर डाल देते थे। यह अखबार साप्ताहिक था जैसा कि आज भी है। आरंभ में तो वह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था, पर मैंने देखा कि तमिल और हिंदी विभाग नाम मात्र के थे। मुझे लगा कि उनके द्वारा समाज की कोई सेवा नहीं होती। उन विभागों को रखने में मुझे असत्य का आभास हुआ, अतएव उन्हें बंद करके मैंने शांति प्राप्त की। मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि इस अखबार में मुझे अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ ही समय में मैंने देखा कि अगर मैं पैसे ना दूं तो अखबार चल ही नहीं सकता था। मैं अखबार का संपादक नहीं था, फिर भी हिंदुस्तानी और गोरे दोनों यह जानने लग गए थे कि उसके लेखों के लिए मैं ही जिम्मेदार था। अखबार न निकलता तो भी कोई हानि न होती, पर निकलने के बाद उसके बंद होने से हिंदुस्तानियों की बदनामी होगी और समाज को हानि पहुंचेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मैं उसमें पैसे देता गया और कहा जा सकता है कि आखिर ऐसा भी समय आया जब मेरी पूरी बचत उसी पर खर्च हो जाती थी। मुझे ऐसे समय की याद है जब मुझे हर महीने 75 पाउंड भेजने पड़ते थे, किंतु इतने वर्षों के बाद मुझे लगता था कि इस अखबार ने हिंदुस्तानी समाज की अच्छी सेवा की है। इससे धन कमाने का विचार तो शुरू से ही किसी का नहीं था। जब तक वह मेरे अधीन था उसमें किए गए परिवर्तनों के घोषक थे। जिस तरह आज यंग इंडिया और नवजीवन मेरे जीवन के कुछ अंशों के निचोड़ रूप में है, उसी तरह इंडियन ओपिनियन था। उसमें मैं प्रति सप्ताह अपनी आत्मा उंडेलता था और जिसे मैं सत्याग्रह के रूप में पहचानता था उसे समझाने का प्रयत्न करता था।